अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट टू, मैथ्स 212-233 पेपर ए, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.3 आज बेटा हमने स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास पेज नंबर 85 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ्रेंशिएट विद द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और बेटा इसके कुछ पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो पहला पार्ट है x नेचुरल लॉग, उसका एंगल x स्क्वायर माइनस 4। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको नेचुरल लॉग के बारे में बता देता हूँ। रूल है कि अगर आप डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x का, जो उसके साथ जो भी एंगल है, तो इसके साथ ही आपको इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होगा, ठीक है। तो इस तरह ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय x की फॉर्म में आ जाता है ये नेचुरल लॉग, और इसका x का डेरिवेटिव 1। तो नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव बेटा 1 डिवाइड बाय x होता है, ठीक है। इसी रूल को फॉलो करते हुए, सो लेट y इज इक्वल टू x नेचुरल लॉग इनटू x स्क्वायर माइनस 4। अब बेटा हमने डेरिवेटिव लेना है, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका है x, ठीक है, ऑन बोथ साइड। सो d डिवाइड बाय dx इनटू y इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dx इनटू x नेचुरल लॉग इनटू x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब बेटा इसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस पर प्रोडक्ट रूल है, एक्स एज इट इज फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव हमने लेना है बेटा सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है नेचुरल लॉग इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस, और सेकंड वैल्यू को अब हमने एज इट इज लिख देना, नेचुरल लॉग इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज लिख देना, ठीक है। और बेटा हमने इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है, ये बताया था आपको। और डेरिवेटिव लेना है अपने फर्स्ट एक्स का, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ आपका जो आ जाएगा सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज, और फिर डेरिवेटिव लेना है अपने फर्स्ट का। ये आ जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का एज इट इज वैल्यू। अब इसके बारे में आपको बताया था अभी, क्योंकि जो आपका डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका 1 डिवाइड बाई एक्स का, तो ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और इसके साथ ही आपने डेरिवेटिव लेना होता है एंगल का, ठीक है। तो वो आपका x जो एंगल है इसका डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, तो इसी तरह से उसके हिसाब से आपका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ये आपका जो है नेचुरल लॉग की फॉर्म में पहले आप लिखेंगे इसको, ठीक है ना। सॉरी मीन के नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव मैं उल्टा लिख दिया है। अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x का, ठीक है, तो ये इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय x, और x का डेरिवेटिव 1, सो 1 डिवाइड बाय x आपका आता है, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में चला गया था। ये फॉर्म आपने याद रखनी है कि नेचुरल लॉग x में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका 1 डिवाइड बाय x डेरिवेटिव होगा। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन है नेचुरल लॉग ऑफ एंगल, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एंगल, एंड नेक्स्ट आपने डेरिवेटिव लेना है इसी नेचुरल लॉग के एंगल का, ठीक है। और प्लस आपके पास आ जाएगी फॉर्म x नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, और इस x का बेटा डेरिवेटिव हो जाएगा 1। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा हमारे पास कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x ऊपर आ जाएगा इसके, ठीक है ना, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके साथ ही इसका जो डेरिवेटिव है डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 4, अलग अलग डेरिवेटिव लगा दिया। प्लस आपके पास यहाँ पे है नेचुरल लॉग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसका डेरिवेटिव पूरा सॉल्व करते हैं, सो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, ठीक है, और डेरिवेटिव लेना है अपने बेस x का, ये 2 माइनस 1 है, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, इसका बेस डेरिवेटिव आ गया माइनस, आपके पास ये है 4 कॉन्स्टेंट है, तो डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। और प्लस में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा उसी तरह से नेचुरल लॉग में एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये फॉर्म हो जाएगी 2 एक्स की पावर एक कम होगी, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस नेचुरल लॉग इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो बेटा ये आ जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस नेचुरल लॉग इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, या इस तरह लिख लें ब्रैकेट में लिख लें। तो अब बेटा इसका आंसर देखते हैं 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4 प्लस नेचुरल लॉग इनटू x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है बेटा, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो ये था फर्स्ट पार्ट, अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन वर्क का सेकंड पार्ट।
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 डिवाइड बाय एक्स, एक्स आपका जो भी एंगल होगा उसका बाद में आपने उस एक्स का यानी एंगल का डेरिवेटिव लेना। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास नेचुरल लॉग का एंगल है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो लेट वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैं वीडियो के ऊपर जो थंबनेल लगता है थंबनेल पे जिस पे स्मार्ट सिलेबस पे क्रॉस किया गया है वो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस वालों ने नहीं करना, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स है ऑन बोथ साइड, सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई आ जाएगा आपका इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू यहाँ आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लेते हैं हम, उसमें तो ये आ जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बेटा कि ये आपका है नेचुरल लॉग ऑफ एंगल, तो डेरिवेटिव इसका होगा 1 डिवाइड बाय एंगल आ जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। उसके बाद बेटा आपने नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना है इसी एंगल का, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर रूट का एंगल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया 1 डिवाइड बाय एक्स और डेरिवेटिव लेना है इसी एंगल एक्स का, ठीक है, उसी की रूल से। सो डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू ये 1 डिवाइड बाय आपका एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर आपका जो डेरिवेटिव हो जाएगा सो डी डिवाइड बाय डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी डिवाइड बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 डिवाइड बाय 2 फॉर्म में ले आते हैं। सो ये डिवाइड डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और यहाँ आपका x का डेरिवेटिव 1 प्लस इस पे बेटा पावर रूल लगेगी, सब पावर शुरू में इसकी पावर को आपने एक कम करके लिखना है और डेरिवेटिव ले लेना है इसकी बेस x के और माइनस 1 का। सो dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय x प्लस x के और माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस इसका बेटा हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 इसकी पावर x के और माइनस 1 की पावर देखिए 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 तो माइनस 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। और इसका आपने अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, तो इस पे हम दूसरी ब्रैकेट लगा लेते हैं कि डी डिवाइड बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डी डिवाइड बाय डी एक्स इंटू 1 करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट आप, ठीक है बेटा। तो आता आपका डीवाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस अब इसकी पावर नीचे आके हो जाएगी 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर बेटा हो जाएगी पॉजिटिव 1 डिवाइड बाय 2, और इसका आप डेरिवेटिव देखते हैं तो पावर शुरू में पावर में से एक काम और बेटा डेरिवेटिव लेना है अपने बेस एक्स का और माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट वाली वैल्यू से, ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, नोटा 1 के साथ नहीं हो रही बल्कि इसके साथ हो रही है क्योंकि ये एक डेरिवेटिव फॉर्म है। सो डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस अब इसमें आपका ये 2 से कैंसिल हो गया और ये आपका एक्स की पावर 1 हो गई, इसका भी 1 हो गया, इसका मतलब ये फॉर्म बन रही है आपकी 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसके साथ ही ऊपर आपके पास है एक तो सिंगल एक्स आ जाएगा और इस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी 0 आपका खत्म हो गया। इसका आपने एलसीएम लेना है, सो dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू ये फॉर्म आपके पास होती है 1 डिवाइड बाय x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर बेटा आपकी जो एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट और प्लस आपका हो जाएगा एक्स वन द एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये कैसी है, ठीक है ना, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स, ये आगे पीछे किए हुए हैं तो ये आपस में कटिंग हो जाएगी। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का बेटा आपका आंसर आता है 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। सो बेटा इसका आंसर है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आपका सेकंड पार्ट भी हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है बेटा, अब करते हैं हम इस क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन का जो इसका जो तीसरा पार्ट है नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो लेट y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ही लेने देते हैं, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका है x ऑन बोथ साइड, सो डी डिवाइड बाय dx इनटू y इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय dx इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट,
ठीक है। अब बेटा इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले डेरिवेटिव लिया जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एंगल एक्स का, जो कि वन डिवाइड बाई एंगल आ जाएगा जो है आपका एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, मैं जरा क्लियर करके लिख देता हूँ, एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। उसके बाद बेटा आपने डेरिवेटिव लेना है इसी एंगल का, यानी एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो अब आ जाएगा आपके पास डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर चलेगी तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई एक्स हो गया, और इसके साथ ही आपने इसका डेटा क्वेश्चन रूल लगाना है इस पर, सो वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके ऊपर आपका आ जाएगा पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज़, और डेरिवेटिव लेना है आपने न्यूमिनेटर का, माइनस न्यूमिनेटर की वैल्यू और डेरिवेटिव लेना है आपने डिनोमिनेटर वन प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब ये एक वैल्यू आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, नीचे सिर्फ आपका स्क्वायर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर वन डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, इन टू, ठीक है, यहाँ तक इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये ऊपर वाली फॉर्म आपके पास है वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव हो गया वन वन माइनस, इसके पास आपकी जो वैल्यू है वो है वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन डिवाइड बाई टू, ठीक है, एंड होल के नीचे आपके पास है वन प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को भी बाहर निकाल सकते हैं, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू भी इसके पास आ गई तो वन डिवाइड बाई आपका एक्स इन टू आ जाएगा, एक्स अंडर रूट में इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और ये जो फॉर्म बनेगी आपकी ये है वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एक्स आ गया, इसके आप ऊपर आपने पावर लगाना है, सो पावर शुरू में इसकी पावर आपने एक कम करके लिखनी है, ठीक है, वन डिवाइड बाई टू माइनस वन, और डेरिवेटिव लेना है आपने इसकी बेस वन प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक, और इसमें आपके पास है वन प्लस एक्स जो है स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई वन ही है, और माइनस में आपके पास है एक्स डिवाइड बाई टू, इसकी पावर हो जाएगी आपकी वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी पॉजिटिव, नेगेटिव में वन डिवाइड बाई टू होगी। ठीक है ना, आपका वन डिवाइड बाई टू माइनस वन है, तो इस पे आपने अलग डेरिवेटिव लगाना है, सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वन प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक, अब आ जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन, इसका स्क्वायर रूट भी है, और माइनस में आपके पास ये जो वैल्यू होगी हो जाएगी एक्स डिवाइड बाई, ये नीचे आके वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी पॉजिटिव वन डिवाइड बाई टू, और इस पे जो डेरिवेटिव होगा जीरो प्लस, इस पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम, और डेरिवेटिव आ जाएगा बेस एक्स का। ठीक है, आ जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाली फॉर्म अभी ऐसी रहेगी एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू है वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट लगा लेते हैं, डिवाइड बाय वन है, और इसमें आपके पास है माइनस में एक्स है ऊपर और डिवाइड बाय। एक चीज आप देख रहे हैं ये टू मिस हो गया हमारा, तो यहाँ पे टू भी लगाना है, तो हो जाएगा आपका टू स्क्वायर रूट में वन प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक्स ऊपर है आपका, और इसके साथ ही जो डेरिवेटिव लेना आपने ये आ जाएगा आपका टू, वैसे ही एक्स आएगा, इसकी पावर कम होगी, इसका डेरिवेटिव वन। ठीक है, अब यह टू टू से कैंसिल हो गया और एक्स का आपका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा यहाँ तक, आप ऊपर से रेज कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब ये फॉर्म बनेगी हमारे यहाँ पे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई एक्स इंटू स्केयर रूट वन प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वन वन प्लस एक्स का, और ये आपने देख लेना यहाँ पे स्केयर रूट में है, ठीक है ना, ये भी स्क्वायर में है, ये मिस नहीं करना आपने, सारे क्वेश्चन भी हम लिखते जा रहे हैं, इसको जरा चेक कर लेना आपने, ये भी स्क्वायर में ही है। ठीक है, और आगे आपके पास जो फॉर्म है वो यहाँ से हमने देखनी है, ठीक है, ये भी जरूरत नहीं है, यहाँ आपके पास फॉर्म है मल्टीप्लाई में वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय वन माइनस, ये हो जाएगा आपका एक्स और एक्स का स्क्वायर हो गया, नीचे वन ही है, ठीक है ना, तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये फॉर्म बन गई आपकी, बाकी सारा कुछ अरेज कर देते हैं, अब इसे हम सोल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, तो बेटा ये हो जाएगा वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपने, और यहाँ पर हमारे पास क्या एलसीएम होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ऊपर हम देखेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का ही हो जाएगा होल स्क्वायर,
माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्केयर, तो एज इट इज ही है, ठीक है, या एलसीएम में इसे कटिंग होगी तो एक्स स्केयर एज इट इज आ गया, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। सो डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्केयर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर, और इसके साथ ही आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाई आपका आ जाएगा स्केयर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू भी इससे मल्टीप्लाई होगी, सो डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ऊपर एक्स स्केयर स्केयर से कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बच गया, ठीक है, एंड डिवाइड बाई एक्स इंटू स्केयर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर की पावर हो जाएगी आपकी 2, ये 2 से स्केयर से कैंसिल हो गया, सो डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू बेटा आपका आंसर आता है एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चलिए आंसर इसका टैली करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 1 का पार्ट 3, तो 1 डिवाइड बाय आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये आंसर आ रहा है, ठीक है। यहां तक हो गया बेटा आपका क्वेश्चन जो है 1 का पार्ट 3, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर जो है 1 का पार्ट नंबर 4 बेटा हमारे पास है नेचर लॉग और 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, सो लेट वाई इज इक्वल टू, इसको पहले हम लेट कर लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 1 प्लस नेचर लॉग में, ठीक है, नेचर लॉग 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। अब हमने डेरिवेटिव लेना है, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका एक्स ऑन बोथ साइड, सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इस पर आपका डेरिवेटिव इस तरह से होगा कि हो जाएगा डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स इसका इक्वल टू इस पे नेचुरल लॉग ऑफ एफ एक्स यानी एंगल आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एंगल जो क्या है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। उसके बाद बेटा हमने डेरिवेटिव लेना है इसी के एंगल एक्स का जो कि है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, इस पर क्वेश्चन रूल लगेगा और ये ऊपर चला जाएगा, सो डीवाई डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे बेटा हमारा लगेगा क्वेश्चन रूल, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। पहले हमने इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को एज इट इज लिख देना है और हमने फिर डेरिवेटिव लेना है इसके अंदर न्यूमिनेटर का जो कि है 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस लगाना है, फिर हमने इसी न्यूमिनेटर की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स को एज इट इज लिख देना है और डेरिवेटिव लेना बेटा हमने इसमें डिनोमिनेटर जो कि 1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है, और नीचे इसको होल स्क्वायर पे लिख दिया होगा, ठीक हो गया। यहाँ आप देखेंगे कि ये पावर आपकी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और ये एक है तो इसमें दो थे तो एक कट जाएगा, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे नीचे, ठीक है, दोनों को ब्रैकेट्स में लिख लेंगे और ऊपर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर हमारे पास है 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज ये वाला, और इसके ऊपर आपने अलग अलग डेरिवेटिव लगाना है, सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और इसके साथ ही आपका डेरिवेटिव आ जाएगा डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है बेटा, एंड डिवाइड बाय नीचे आपका 1 प्लस साइन एक्स ये वाला और ये है 1 माइनस साइन एक्स ये नीचे आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और जबकि साइन का डेरिवेटिव बेटा हो जाएगा पॉजिटिव में कॉज एक्स, एंगल का डेरिवेटिव एक्स है 1 माइनस आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और इसमें आपका आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन का फिर से डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज एक्स, ठीक है, पर नेगेटिव में। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स, इसको एज इट इज रहने देते हैं, नीचे ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है लेकिन अभी नहीं लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर आपके पास फॉर्म है 0 खत्म हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सो आ जाएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स, ठीक है, माइनस में माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, तो वैसे ही आ जाएगा आपका कॉज एक्स और प्लस साइन एक्स कॉज एक्स, ठीक है, साइन चेक कर लेने आपने इसके, तो इस तरह ही बनेगा। नीचे आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मैंने इस फॉर्म में बना दिया, और ऊपर से बेटा हमारा जो है ना ये साइन एक्स कोज एक्स नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितने हो गए 2, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 कॉज एक्स डिवाइड बाई, और बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कोज स्क्वायर एक्स के,
एक कॉस एक्स आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू डिवाइड बाई कॉस एक्स, और वन डिवाइड बाई कॉस बेटा होता है आपका सीकन एक्स के। तो ये आपका आंसर मैं बना दिया, इसको बुक से टैली कर लेते हैं, मेरी तरफ से तो आंसर आ गया। तो 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन वन का पार्ट जो है टू सीकन एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फोर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर फाइव। ठीक है, पार्ट फोर भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर फाइव जो है बेटा, छोटा सा क्वेश्चन ही है, टेन इनवर्स एंगल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसके बारे में जान लें कि अगर ये क्वेश्चन करना भी होगा आपका क्वेश्चन नंबर वन, तो पार्ट फाइव नहीं करना क्योंकि इनवर्स में है। आपने इनवर्स वाले और जो आपके मैंने बताए थे आपको क्वेश्चन कुछ मतलब उस तरह की फॉर्म है जिसमें एक्स और वाई जो आते हैं, ठीक है, वो वाले फॉर्म वाले आपने क्वेश्चन नहीं करने। अब पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ऑन बोथ साइड, सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू टेंजेंट इनवर्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा टेन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव होता है वन डिवाइड बाई वन प्लस एंगल का स्क्वायर। ठीक है, एंगल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, और आगे डेरिवेटिव लेना है आपने इसी के एंगल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, जिसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया हुआ है। तो वन प्लस आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, और इसके साथ ही इसका डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन डिवाइड बाई एक्स, और साथ ही डेरिवेटिव लेना होता है आपने इसके एंगल का। तो ये आ जाएगा आपका वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू वन डिवाइड बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव वन। तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा वन डिवाइड बाई एक्स इंटू वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट दूसरी लगा लेते हैं, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, आंसर टैली कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है जी वन डिवाइड बाय एक्स इंटू वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही आपका जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर फाइव भी हो गया, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर सिक्स। तो जो नेचुरल लॉग वाले क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, और इसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर सिक्स, जो आपका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सो दैट वाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स है ऑन बोथ साइड, सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसके ऊपर अब हमने बेटा डेरिवेटिव लगाना है, तो इस पर आपका क्वेश्चन रूल भी लगने वाला है, नेचुरल लॉग भी लगेगा। तो पहले आपका आ जाएगा ये डिवाइड डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये एक्स की शक्ल में होगा, तो आ जाएगा वन डिवाइड बाई एक्स, जो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, आगे बेटा आपने डेरिवेटिव लेना है इसी नेचुरल लॉग के एंगल एक्स का, जो कि आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन रूल लगेगा, ये वैल्यू आपके ऊपर चली जाएगी, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे आपका लग जाएगा क्वेश्चन रूल इसके ऊपर। तो डिनोमिनेटर आपका जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर जो है ये वैल्यू आपकी इससे कैंसिल भी हो जाएगी, इससे पहले ये आपकी वैल्यू डिनोमिनेटर के ऊपर लिखी जाएगी। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव लेना आपने डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा प्लस एक्स प्लस वन, फिर माइनस लगाएं और यही डिनोमिनेटर की वैल्यू को आपने एज इट इज लिख देना है, और फिर आपने डेरिवेटिव लेना है न्यूमिनेटर का जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सॉरी डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन। ठीक हो गया, और ये ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। अब इस पे अलग अलग डेरिवेटिव भी लगाना है और ये वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा ये होता है हमारा ऊपर और नीचे वाली, ये वाली फॉर्म पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एज इट इज आ गया, इस पे आपने डेरिवेटिव लगाना है डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वन, खत्म हो गया। फिर माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, फिर आ जाएगा आपका डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स
एंड प्लस ठीक है डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट वन, और होल डिवाइड के नीचे आपके पास ये आ जाएगी पहले वाली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक हो गया। इसका भी फार्मूला होता है लेकिन हम इसको चेक कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना फार्मूला हमें याद नहीं है। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे आपका पावर रूल है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, ठीक है, और फिर डेरिवेटिव लेना है बेस एक्स का प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस कॉन्स्टेंट का जीरो, माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा पावर शुरू में, पावर में से एक कम, ठीक है, और डेरिवेटिव लेना है बेस एक्स का, फिर आ जाएगा आपका माइनस वन और प्लस कॉन्स्टेंट का जीरो, ठीक हो गया। इसी तरह डिवाइड में नीचे आपके पास ये जो फॉर्म है इसको मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास जो फॉर्म बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और इसके अंदर है टू एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव वन प्लस वन हो गया, जीरो खत्म हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पर हमारे पास है टू, और इसका आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्स एक सिंगल हो गया, इसका वन हो गया और माइनस वन, एंड डिवाइड बाय आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अच्छा, अब आ जाएगा नेक्स्ट आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, इसके साथ ही हो जाएगा आपका टू एक्स प्लस वन, ठीक हो गया, माइनस आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये फॉर्म आ गया, और इसके आ जाएगा टू एक्स माइनस वन, ये वैल्यू नीचे बेटा आपके पास जो वैल्यू है ना इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस में आपके पास एक्स है, कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी आपकी, ठीक है, और इसके साथ ही आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन फिर से वैल्यू बनेगी बड़ी, और माइनस में आपका एक्स आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू बन जाएगी, ये ऊपर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं टू एक्स को इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से, प्लस फिर हम कर लेंगे इसको वन के साथ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ तक हो गया, फिर दरमियान में माइनस का साइन। अब इसको करेंगे टू एक्स को सबके साथ, ठीक है ना, अब हम करेंगे फिर से टू एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के साथ, फिर आ जाएगा हमारा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और वन को कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन सबके साथ, ठीक हो गया। और डिवाइड बाय नीचे आपके पास जो वैल्यू है या ए प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन ए है और एक्स स्क्वायर प्लस वन ए है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यानी के इस फॉर्म में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी ए का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका एक्स और बी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा। अब इसको रेज कर लेते हैं और ऊपर ले आते हैं इस फॉर्म को, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू टू एक्स, ठीक है, और इसको बल्कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कर ही देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, टू एक्स का क्यूब एंड माइनस टू एक्स का स्क्वायर एंड प्लस टू एक्स वन द टू एक्स, फिर से आ जाएगा हमारा आगे प्लस में प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस आ जाएगा हमारा एक्स और प्लस वन, एज इट इज आ गया वन के साथ, और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे टू एक्स का क्यूब, ठीक हो गया, और प्लस माइनस माइनस टू एक्स के, ठीक है, ये देखिए प्लस माइनस भी माइनस आ जाएगा आपका टू एक्स। अब ये लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है बेटा। और नीचे आपके पास जो वैल्यू है वो इसका फॉर्मूला आपने ओपन करना है, तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी और माइनस में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया बेटा। बाकी हम कर देते हैं इसको इरेज, ठीक है, बाकी इरेज कर देते हैं, ऊपर वाली चीज़ आप समझ लें, ये इरेज हो गया। चले जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टू एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया, और ये टू एक्स स्क्वायर नहीं कैंसिल हो रहा यहाँ पे, बल्कि होता है ये आपस में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू बनेगी वो देखते हैं, और फिर कटिंग देखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, माइनस टू एक्स है और प्लस टू एक्स है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, और वन भी नहीं कैंसिल हो रहा, और कोई चीज़ कटिंग नहीं होती, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आती है माइनस टू एक्स स्क्वायर, और माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ अगर आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक कट जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्लस आपके पास ये टू एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है, माइनस माइनस वाला फोर एक्स स्क्वायर हो गया, और एक एक्स स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए आपके टू एक्स स्क्वायर,
उसके बाद आपका जो है ये पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू बचती है वो है वन, और प्लस वन कितने हो गए बेटा टू, पॉजिटिव टू, और डिवाइड बाय नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स की फोर, प्लस आपका आ जाएगा या इस तरह बिल्कुल ऐसे बनेगा एक्स की फोर प्लस आपका वन आ जाएगा प्लस आपका जो होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा इसमें से, ठीक है। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, आप देखिए इसमें माइनस हुआ तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई नीचे आपका आ जाएगा एक्स की फोर प्लस इसमें से एक एक्स स्क्वायर निकल गया तो एक्स स्क्वायर बच गया प्लस वन। अब अरेंज कर देते हैं, सो डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टू माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें से बेटा टू कॉमन ले लेते हैं। सो डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, मेरी तरफ से तो मैंने आंसर निकाल लिया है। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन वन का पार्ट नंबर फोर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। पार्ट नंबर सिक्स का बेटा आंसर है हमारा टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की फोर, यानी वहाँ पे लिखा हुआ है टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की फोर, ठीक है, जैसे मर्जी आप लिख लें। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। पार्ट फोर कम्प्लीट हो गया बेटा। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर सेवन, सॉरी ये फोर नहीं था सिक्स था, अब करना है हमें पार्ट नंबर सेवन, ठीक है। तो क्वेश्चन वन बेटा आपने करना है कम्प्लीटली, स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट सेवन, जो है नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। सो बेटा लेट वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका है एक्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स ऑन बोथ साइड। सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक हो गया। अब बेटा हमने इस पर डेरिवेटिव लगाना जो हो जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव के अंदर नेचुरल लॉग ऑफ एंगल का डेरिवेटिव होता है वन डिवाइड बाई एंगल मीन के एक्स, ठीक है, टेंजेंट एक्स, सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। उसके बाद बेटा आपने डेरिवेटिव लेना है इसी एंगल यानी के सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का, ठीक है। और ये तो वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है, और इस पर आपने अलग अलग डेरिवेटिव लगाना है। सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू सीकन एक्स प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और पिछले लेक्चर्स में आपको इनके फार्मूले बताए थे, उसी फार्मूले का आपने इस्तेमाल करना है, वन डिवाइड बाई सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में आपको ये क्वेश्चन करवाए थे, तो सीकन का बेटा डेरिवेटिव होता है सीकन एंगल का डेरिवेटिव सीकन एंगल टेंजेंट एंगल, जबकि एंगल एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, इसलिए जरूरी नहीं है। प्लस आपके पास जो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका सीकन स्क्वायर एक्स, और एंगल एक्स है तो उसका डेरिवेटिव वन ही है, ठीक है। इसमें से बेटा आपने सीकन कॉमन ले लेना है, सो वन डिवाइड बाय सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और इसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीकन एक्स अगर कॉमन लिया जाए तो अंदर आपके पास बचता है टेंजेंट एक्स प्लस सीकन एक्स। बेटा देख सकते हैं सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, या टेंजेंट एक्स प्लस सीकन एक्स, जैसे कैंसिल हो गया, सो आपका आ जाएगा इसका सीकन एक्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर आ चुका हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो है सेवन पार्ट है, तो बेटा सीकन एक्स इसका आंसर है, ठीक है। अब इसको रेज कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो पार्ट नंबर एट करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर आ जाएगा आपका एट, ठीक है। तो पार्ट एट आपका क्वेश्चन जो है वो है x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल टू x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास है x ऑन बोथ साइड, सो d डिवाइड बाय dx इनटू y इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dx इनटू x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है बेटा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास जो है क्वेश्चन रूल लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर मीन के नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है, क्लियर करके लिख देता हूँ, पहले आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है न्यूमिनेटर x का, फिर माइनस आ जाएगा x की वैल्यू, और फिर डेरिवेटिव लेना है आपने डिनोमिनेटर नेचुरल लॉग ऑफ x का, और डिवाइड बाय बेटा नीचे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यह आ जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया, इसका डेरिवेटिव हो गया बेटा 1 - x आ गया। इस आपके नेचुरल लॉग ऑफ एंगल का डेरिवेटिव 1/x और एंगल का डेरिवेटिव तो 1 होता है, और डिवाइड में आ जाएगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स एक्स से कैंसिल। तो बेटा आपका ये आंसर आ चुका हुआ है dy/dx = नेचुरल लॉग ऑफ एक्स -1/ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं, पार्ट थ्री का इसका आंसर है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स -1/ नेचुरल लॉग इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। पार्ट एट तक मुकम्मल हो गए हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन 1 का पार्ट 9 जो क्वेश्चन है वो है नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट इनटू π/4 प्लस x/2। ठीक है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं y = नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट इनटू π/4 प्लस x/2। अब डेरिवेटिव लेते हैं, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है x, ठीक है, ऑन बोथ साइड। सो d/dx इंटू y = d/dx इंटू नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट इंटू π/4 प्लस x/2। ठीक हो गया बेटा यहाँ तक, अब डेरिवेटिव लगाते हैं, सो ये हो जाएगा dy/dx = डेरिवेटिव में नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, जो कि हो जाएगा आपका 1/tangent इंटू π/4 प्लस x/2। ठीक है, इसके साथ ही हमने डेरिवेटिव लेना है इसी एंगल का, जो कि है टेंजेंट π/4 प्लस x/2। ठीक हो गया, अब ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx = 1/ बेटा टेंजेंट बराबर होता है आपका साइन π/4 प्लस x/2, और डिवाइड बाय कोस के इक्वल होता है, ठीक है, साइन डिवाइड बाय कोस के इक्वल होता है आपका टेंजेंट, इसका आ π/4 + x/2। ठीक हो गया, इसके साथ ही आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो बेटा होता है टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, और एंगल आ जाएगा साथ, जैसे ही एंगल आएगा उसके साथ ही आपने एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट आपके पास बेटा ये सीकेंट की वैल्यू भी होती है, सो dy/dx = 1/ आप ये कोज ऊपर भी जा सकता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका कोज π/4 प्लस x/2, एंड नीचे आ जाएगा आपका साइन π/4 प्लस x/2। ठीक हो गया, और यहाँ पर आपका जो सीकन होता है ये डिवाइड बाय होता है कोस स्क्वायर π/4 प्लस x/2। सीकन कोस का उलट होता है या कोस सीकन का उलट होता है, तो सीकन इक्वल टू होता है 1/cos, तो स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा। अब ये वैल्यू एक आपकी इससे कैंसिल होगी, और यहाँ पर बेटा आपका डेरिवेटिव हो जाएगा d/dx π/4 पे अलग लगाना है कॉन्स्टेंट पे, और d/dx into आपका आ जाएगा x/2। ठीक हो गया, ये डेरिवेटिव अलग हो गया। अब यहाँ पर जो फॉर्म बनती है वो है dy/dx = 1/ आपके पास फॉर्म है साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कॉस π/2 प्लस x/2। ठीक है ना, π/4 है, ये मिस्टेक नहीं करनी आपने, और उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे ये भी पाई है। अच्छा जी, उसके बाद ये डेरिवेटिव आ जाएगा कांस्टेंट का 0 प्लस आपके पास 1/2 कांस्टेंट शुरू में, और डेरिवेटिव लेना है आपने x का, तो बेटा ये 0 हो गया 1/2, ये नीचे आ जाएगा आपका dy/dx = 1/2, इसके साथ ही आ जाएगा आपका साइन π/4 प्लस x/2 एंड कॉस π/4 प्लस x/2। इसका एंगल आ गया, तो बेटा ये फॉर्मूला आपका और इसका x का डेरिवेटिव हो गया आपका 1, खत्म हो गया। 2 साइन अल्फा कोज अल्फा इज इक्वल टू होता है आपका साइन 2 अल्फा के इक्वल। ठीक है, इसको अरेंज कर देते हैं, और ये वैल्यू आपकी जो है ये बन जाएगी dy/dx = 1/sin 2 अल्फा, आपके पास जो एंगल है वो है π/4 प्लस x/2। ठीक हो गया, अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन, अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, इस वैल्यू का एलसीएम लेते हैं, सो dy/dx = 1/sin 2, इसका एलसीएम आपके पास आएगा 4। ठीक है, 4 एलसीएम ले लें, या आप 1/2 कॉमन ले लें, ताकि हम इसको, या 2 से मल्टीप्लाई कर लें, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन, इसके अंदर हो जाएगा 2π/4 प्लस यानी कि 2x/2,
टू, ठीक है, टू टू से कैंसिल हो गया और टू वन टू 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 द फोर हो गया। और बेटा पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, सो पाई डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन पाई डिवाइड बाय टू प्लस एक्स, ठीक है। और पाई डिवाइड बाय टू वी नो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन 90 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। अब इस पे फॉर्मूला लगेगा आपका साइन अल्फा प्लस बीटा का, जो कि होता है आपका डिवाइड डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कोस आपका आ जाएगा बीटा एक्स, और उसके बाद आ जाता है प्लस आपका कोस अल्फा 90 डिग्री और साइन आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास बनती है साइन अल्फा प्लस बीटा के मुताबिक, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि साइन 90 जो होता है ये 1 होता है, जबकि कोस 90 आपका 0 होता है। तो इसमें आपकी वैल्यू बन जाएगी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन 90 आपका 1 हो गया, इसके साथ आ जाएगा कोस एक्स प्लस कोस 90 0 हो गया, इसके साथ जो साइन एक्स है ये बेटा 0 हो जाएगा, आपका आ जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस 0। तो बेटा आपका 1 डिवाइड बाई कोस एक्स जो है ये इक्वल टू होता है सीकेंट एक्स के। तो ये आपका आंसर आ गया, जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था। तो अब इसका आंसर टैली कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9, बेटा इसका आंसर है सीकन एक्स, ठीक हो गया। ये था आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 9। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो आपका 1 का पार्ट नंबर 10 है, क्वेश्चन दिया गया है हमें x natural log of x minus x, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है, इस पे प्रोडक्ट भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लेट y is equal to x natural log of x minus x कर लेना है, आप डेरिवेटिव लेना है। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है ऑन बोथ साइड, सो d डिवाइड बाय dx into y is equal to d डिवाइड बाय dx into x natural log of x minus x। अब बेटा इस पे डेरिवेटिव लगाते हैं, सो डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट पे आपने अलग डेरिवेटिव लगाना है सेकंड पे अलग, सो डी डिवाइड बाय डी एक्स इंटू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस डी डिवाइड बाय डी एक्स इंटू सिंपल एक्स, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इस पे बेटा प्रोडक्ट लगेगा फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, और डेरिवेटिव लेना है आपने सेकंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, फिर आ जाएगा प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज, और फिर डेरिवेटिव लेना है आपने फर्स्ट वैल्यू एक्स का, माइनस में इसका डेरिवेटिव आपको हो जाएगा 1। ये है आपका एक्स जिसका डेरिवेटिव होगा 1। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, और बेस का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। तो बेटा एक्स एक्स से कैंसिल हो गया आपका ये वाला, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, 1 1 से कैंसिल हो गया। तो आपका बुक का इसका आंसर चेक कर लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमारा आंसर आ रहा है बुक में, इसका आंसर है बेटा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका आंसर है, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 11 करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, सेकंड लास्ट पार्ट है, ठीक है। टोटल 12 पार्ट्स है, तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 11। पार्ट 11 हमारे पास है क्वेश्चन कोस एक्स, ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है बेटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल टू cos x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट x डिवाइड बाय 2। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है ऑन बोथ साइड, सो d डिवाइड बाय dx इनटू y इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dx इनटू cos x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट x डिवाइड बाय 2। अब हमने दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको आ जाएगा हमारा कोस का बेटा डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल, और एंगल एक्स है इसका डेरिवेटिव 1 है, प्लस यहाँ पर आपका नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट है, तो इसका डेरिवेटिव पहले आ जाएगा 1 डिवाइड बाय एंगल, नेचुरल लॉग का जो एंगल है वो, यानी कि जो वैल्यू है वो आ जाएगी x, और उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है इसी टेंजेंट x डिवाइड बाय 2 का, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन x प्लस यहाँ पे 1 डिवाइड बाय टेंजेंट x डिवाइड बाय 2, और इसके साथ ही आपने टेन का डेरिवेटिव लेना जो होता है सीकेंट स्क्वायर एंगल, और इसके साथ ही बेटा एंगल का डेरिवेटिव भी आ जाएगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, यहां भी वही फॉर्म लगेगी आपकी के वन डिवाइड बाय, ये होता है आपका साइन एक्स डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय कोज एक्स डिवाइड बाय टू, और ये आपका सीकर होता है वन डिवाइड बाय कोज स्केयर एक्स डिवाइड बाय टू का इक्वल होता है, एक कोज आपका इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट वन डिवाइड बाय शुरू में आ गया, तो डेरिवेटिव लेना है अपने बेस एक्स का जो कि वन हो जाएगी या टू भी इसके साथ आ जाएगा, ठीक हो गया, इसी के साथ सिर्फ रहेगा, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस आपका ये टू भी नीचे आ गया तो वन डिवाइड बाय टू साइन एक्स डिवाइड बाय टू, ठीक है, कॉज एक्स डिवाइड बाय टू का इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद ये सारी फॉर्म आप अच्छी तरह से समझ जाए, इसका डेरिवेटिव हो गया आपका वन, बाकी सारी वैल्यूज खत्म हो गई, टू साइन अल्फा कोज अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स प्लस वन डिवाइड बाय साइन टू अल्फा पे एक्स ओवर टू है, टू टू से कैंसिल हो गया तो आता है माइनस साइन एक्स प्लस वन डिवाइड बाय साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसका अब हमने लेना है एलसीएम, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू रेज करते हैं और इसका एलसीएम लिखते हैं। पहले ये मैं फॉर्म लिख लेता हूँ, ये हमारे पास है माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस वन डिवाइड बाय साइन एक्स, ठीक है, बाकी सारी की सारी वैल्यू हम कर देते हैं रेज। अब इसका बेटा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा हमारे पास साइन एक्स जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस वन, ठीक है, और इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बेसिकली ये फॉर्म है बेटा, ये कोस स्क्वायर एक्स के बराबर होती है और इसके साथ ही आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। इसकी फॉर्म देखते हैं कि ये आंसर किस फॉर्म में है, ठीक है, आंसर देखते हैं हम इसका। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन जो है साइन एक्स माइनस में प्लस कोसेकन एक्स के इक्वल था, अगर हम इसको इधर ही सोल्व करते हैं तो इसका आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं गया, उसने लिख दिया माइनस साइन एक्स, और बेटा ये जो आपका वन डिवाइड बाय साइन होता है ये कुछ सीकन एक्स के इक्वल होता है और ये आपका आंसर भी है, ठीक हो गया। चले नहीं, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन वन का लास्ट पार्ट नंबर 12, ठीक है, पार्ट नंबर 12 आ जाएगा जी एक्स डबल आई वन गिनती में, और 12 जिसका लास्ट पार्ट है वो है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, और जी यही फॉर्म हमारे पास है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हमें सोल्व करना है, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ऑन बोथ साइड, सो d डिवाइड बाय dx इनटू y इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dx इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, और अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, तो इस तरफ डेरिवेटिव लेते हैं इसका, सबसे पहले तो आ जाएगा dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, बेटा ये आ जाएगा डेरिवेटिव में नेचुरल लॉग ऑफ x, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है ये बेस x वाली वैल्यू को जो कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब आपने दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव लगाना है, सो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x प्लस आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया, और यहां पर आपका आ जाएगा पहले d डिवाइड बाय dx इनटू x आ गया प्लस d डिवाइड बाय dx इनटू, ये बेटा फॉर्म हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं, सो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आपका x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहां पर x का हो जाएगा 1 प्लस इस पे पावर रूल है, पावर शुरू में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर आपने एक कम करके लिखनी है, और डेरिवेटिव लेना है आपने इसी की बेस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक हो गया। यह आ जाएगा आपका dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहां पर आ जाएगा आपकी वैल्यू जो है 1 प्लस, अब ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर नेगेटिव में माइनस 1 डिवाइड बाय 2 हो गई। अब यहां भी आपने दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव लगाना है, सो d डिवाइड बाय dx इनटू x स्क्वायर प्लस d डिवाइड बाय dx इनटू a स्क्वायर, तो कांस्टेंट है ये सारे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पे पावर रूल लगाएंगे, ये ब्रैकेट क्लोज, सो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू भी नीचे आने वाली है तो आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया आपका, और यहां पे फॉर्म है 1 डिवाइड बाय 1 है प्लस आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू नीचे आ गई तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, ठीक हो गया। और यहां पे आपने पावर रूल लगाना है, इसको भी उसी ब्रैकेट में रहने देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और डेरिवेटिव लेना है अपने बेस एक्स का,
यहाँ पर उसके बाद प्लस आपका ये कॉन्स्टेंट जीरो हो गया। आप सारी वैल्यूज को कम्प्लीटली सॉल्व करती हैं, टू आपका टू से कैंसिल भी हो जाएगा, जीरो खत्म हो गया होगा, ठीक है, टू टू से कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट वाले के साथ, नोट है वन, ठीक है। यह आ जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा वन डिवाइड बाई वन प्लस, ये भी आपका वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है। और इसके साथ ही ऊपर आपके पास जो वैल्यू है वो सिंपल, एक तो एक्स है, एक पावर कम हो गई, इसका डेरिवेटिव वन हो गया, ठीक है। अब बेटा ये वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई करके इसका सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है। तो देखिए dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का स्केयर रूट, और यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, इसका आ जाएगा स्केयर रूट, ऊपर आपके पास यही वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो गई है, एक्स वन एक्स हो जाएगा तो प्लस ए स्क्र का स्केयर रूट और प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाती है और ये आपका इसके साथ आपका बेटा आंसर आता है dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, यानी देखिए एक्स प्लस स्केयर रूट में एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, और इसमें भी वही चीज़ है एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स स्क्र, ठीक है ना, इधर उधर लिखी हुई है लेकिन एक जैसी चीज़ें कट गई, तो वन डिवाइड बाई बेटा एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का स्केयर रूट जो है आपका आंसर आ गया है। आंसर को टैली कर लेते हैं बुक से, तो वन डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का स्केयर रूट आपका आंसर आ गया। यहाँ तक बेटा आपका क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस न्यू लेक्चर जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहे। मिलेंगे एक लेक्चर के नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।